बहुत ज्यादा गुस्सा आता है दोस्तों जब हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से काम करने के लिए और वहां पर नो इंटरनेट का मैसेज लिखा जाता है। हम अपने नेट और वाईफाई को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करके भी देख लेते हैं लेकिन फिर भी हमारा नेट नहीं चलता है और ऐसे में हम हो जाते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान। तो दोस्तों ऐसा मैसेज 3 वजहों से आता है और उन 3 ही वजहों का मैं सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बताया है उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में भी नेट ना चलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल देव, आप देख रहे हो न्यूज टेक्निकल। चलिए कुछ नया काम का यूजफुल सीख लेते हैं। तो हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में नेट ना चलने का जो सबसे पहला कारण है वो है लैन सेटिंग। कई बार हमारी लैन की सेटिंग प्रॉपर नहीं होती है और ऐसे में हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर में नेट नहीं चलता है। तो लैन की सेटिंग को करेक्ट करने के लिए आपको नीचे की तरफ टाइप करना होगा कंट्रोल पैनल और सर्च कर देना है। आपको कंट्रोल पैनल में जाना है दोस्तों। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको इंटरनेट ऑप्शंस के आइकॉन पर करना है क्लिक, तो कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो हमारे स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जाना है कनेक्शंस में, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है लैन की सेटिंग पर नीचे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग का जो पहला बॉक्स आ रहा है यहाँ पर आपको करना है एक राइट क्लिक। अगर आपका यहाँ पर राइट क्लिक नहीं है तो आप इसे राइट क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो प्रॉक्सी सर्वर दिख रहा है राइट क्लिक, यहाँ पर आपको करना है अनटिक। उसके बाद दोस्तों आपको ओके बटन पर करना है क्लिक, उसके बाद फिर से आपको ओके बटन पर करना है क्लिक। तो इस तरह से आपकी लैन की सेटिंग यहाँ पर सही हो जाएगी और आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके नेट चला के देख सकते हैं। दोस्तों हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में नेट न चलने का दूसरा कारण क्रोम ब्राउजर भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लगातार क्रोम ब्राउजर को जब यूज करते हैं तो ऐसे में कई अनयूज्ड फाइल्स और ऐड हमारे क्रोम ब्राउजर में हिडन फाइल के रूप में सेव हो जाते हैं। ऐसे में हमारा क्रोम ब्राउजर सही तरीके से वर्क नहीं करता है और इस तरह से नो इंटरनेट का मैसेज भी वहां पर शो होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट्स पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स पर करना है क्लिक। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। नीचे आने पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एडवांस्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको करना है एडवांस्ड के ऑप्शन पर क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आ जाना है। नीचे आने पर फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्टॉल सेटिंग टू डेयर ओरिजिनल डिफॉल्ट्स के ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा रहा है दिस विल रिसेट योर स्टार्टअप पेज, न्यू टैब पेज, सर्च इंजन एंड प्रिंटेड टैब्स। इट विल ऑल्सो डिसेबल ऑल एक्सटेंशन एंड क्लियर टेम्पररी डाटा लाइक कुकीज, योर बुकमार्क हिस्ट्री एंड सेव पासवर्ड विल नॉट बी क्लियर। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स रिसेट सेटिंग्स के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारा क्रोम ब्राउजर बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा पहले की तरह जिस तरह से हमने फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल किया था। और इस तरह से आप करके फ्रेंड्स अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में नेट ना चलने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में नेट ना चलने का जो तीसरा कारण कई बार हमारे नेटवर्क ड्राइवर की वजह से भी हो सकती है। तो दोस्तों कई बार हमारे नेटवर्क के ड्राइवर को हमें रिस्टॉल या फिर अपडेट करना होता है। तो अपने नेटवर्क के ड्राइवर को रिस्टॉल या फिर अपडेट करने के लिए फ्रेंड्स हमें नीचे की तरफ जाना होगा, टाइप हेयर टू सर्च में करना होगा कंट्रोल पैनल टाइप और सर्च कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा कंट्रोल पैनल इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो हमारी स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नेटवर्क अडेप्टर्स के ऑप्शन पर करना है क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है और आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल डिवाइस के ऑप्शन पर करना है क्लिक। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक वार्निंग दी जाएगी, यू आर अबाउट टू अनइंस्टॉल दिस डिवाइस फ्रॉम योर सिस्टम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिलीट दी सर्वर सॉफ्टवेयर फॉर दिस डिवाइस के ऑप्शन पर कोई राइट क्लिक नहीं लगाना है, सिर्फ आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है वहां पर आपको कर देना है इस तरह से क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका जो ड्राइवर है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ देख सकते हैं हेल्प के नीचे मैग्नीफायर ग्लास का एक आइकॉन बन के आ रहा है, तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये दोबारा से आपके हार्डवेयर के सिस्टम को सर्च करेगा और जो भी डिवाइस आपने यहाँ पर अनइंस्टॉल करी है उसे फिर से यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने नेटवर्क के ड्राइवर को यहाँ पर रीइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप जब अपना क्रोम ब्राउजर अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम वहां पर खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी
और काम की लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई काम की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।